Good morning, student. Myself Josna, your math teacher, JD International School, Grade 8, Chapter 1st, Rational Number. Yes, Rational Number क्या है हम इस chapter में देखेंगे. पहले तो आपको पता है कि Natural Number क्या है, Whole Number क्या है and Integers क्या है. पहले ये तीनों को समझ लो, जब भी जाके आपको Rational Number समझना है. पहले तो Natural Number क्या होता है पता है आपको, Starting from 1 and Whole Number क्या होता है, Starting from 0 and Integers जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो भी होते हैं. मींस माइनस वन एंड प्लस वन एंड जीरो सब कुछ होते हैं उसमें. और वन टू थ्री फोर जब भी हम रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन में. इसमें क्या होता है, बीच में तो मिडिल में उसके जीरो रहते हैं, देन वन टू थ्री फोर मतलब इन्फिनिट रहता है ये, मतलब इसका कोई काउंटेबल ही नहीं है कहां तक है. देन यहां से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर ऐसे होता है. हम इसको इंटीजर्स को क्या करते हैं, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. अब आपको पता पड़ गया रेशनल नंबर, वो नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है एंड इंटीजर्स क्या है. इंटीजर्स में हमारे जीरो और माइनस जो पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर दोनों ही उस कलेक्शन में आ जाते हैं इंटीजर्स में. वैसे ही इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको पता पड़ गया. देन व्हाट इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू, द फॉर्म ऑफ एंड व्हेन क्यू नॉट इक्वल जीरो. क्या होता है, रेशनल नंबर में हमेशा फॉर्म पी अपन क्यू आ जाएंगे और उसके जो डिनोमिनेटर्स है वो जीरो के साथ सेम नहीं होना चाहिए. वैसे ही रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों के ही डेफिनेशन सेम होते हैं. जब भी हम फ्रैक्शन भी देखते हैं, फ्रैक्शन में भी पी अपन क्यू के फॉर्म में आएंगे, पर उसमें डिफरेंस क्या है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्रैक्शन में ओनली पॉजिटिव नंबर आते हैं और रेशनल नंबर में नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर दोनों ही आ जाते हैं. ये पता है तुम्हें. देन रेशनल नंबर के बाद हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, इंटीजर्स में भी हमारे प्रॉपर्टीज कौन से आते हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. देन हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है और क्लोजर प्रॉपर्टी में हम रेशनल नंबर को यूज करेंगे तो वो यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन से प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं उसमें. जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे क्या आता है, ए प्लस बी इक्वल सी. इसमें हमें ये बताना होता है अगर ए एक रेशनल नंबर है एंड बी एक रेशनल नंबर है देन सी भी एक रेशनल नंबर ही होंगे हमारे पास. क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि रेशनल नंबर हो रहे हैं नहीं हो रहे. अभी अगर हम रेशनल नंबर को 3 अपन 4 प्लस 5 अपन 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, 8 अपन 4 आ जाएंगे. तो हमें ये दिखाना है क्लोजर प्रॉपर्टी में कि ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो तीसरा भी जो नंबर आ रहा है वो भी रेशनल नंबर में ही आ रहा है हमारे पास. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में जो एडिशन हम कर रहे हैं, एडिशन हमारे कर सकते हैं इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी में. देन सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे 3 अपन 4 माइनस 2 अपन 4, देन इसमें भी हमारे पास 1 अपन 4 आ रहे हैं तो ये भी रेशनल नंबर आने. देन सब्ट्रैक्शन भी हम इस प्रॉपर्टीज में यूज कर सकते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, जैसे 3 अपन 4 मल्टीप्लाई 5 अपन 4 तो ये भी आ रहे हैं हमारे 15 अपन 16. तो हमारे ये भी रेशनल नंबर आ रहे हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन में भी आ रहे हैं देन डिवीजन में भी आ जाएंगे. ये आपको पता है सबको कि कभी भी हम रेशनल नंबर को डिवीजन करते हैं, फ्रैक्शन को डिवीजन करते हैं तो ये डिवाइड भी होते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल में करके ये मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं. इसको क्या आ जाते हैं हमारे पास, जैसे 3 अपन 4 डिवाइड का साइन मल्टीप्लीकेशन में बदल जाएंगे, देन जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएंगे, देन हमारे पास आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 6 18 अपन 20. तो ये भी रेशनल नंबर है. देन डिवीजन में भी हम इस मेथड को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी में हम इस डिवीजन में भी सॉल्व कर सकते हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है आप समझ गए सभी. क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज,
प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं हम, इसमें हमारे को क्या दिखाते हैं, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। इसमें हम क्या करें, इसमें दिखाना है कि हम ये नंबर को मूव कर रहे हैं, जो पहले था उसको बाद में ले लिए, जो बाद में था उसको पहले ले लिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मूव द नंबर, मूव द नंबर। देन हम देखेंगे कि रेशनल नंबर में अगर हम नंबर को मूव कर लेंगे तो इस प्रॉपर्टीज को हम यूज कर पा रहे नहीं कर पा रहे। रेशनल नंबर है जैसे 3/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 5/4 प्लस 3/4। हम ऐसे ही चेंज कर रहे हैं इसको, जो पहले आ रहे हैं उसको बाद में ले रहे हैं, जो बाद में आ रहे हैं उसको पहले ले रहे हैं। तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अगर दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो मतलब हम इस प्रॉपर्टीज में एडिशन कर सकते हैं। जैन 3 प्लस 5 8/4 ये दोनों के आंसर सेम आ गए, मतलब एडिशन में हम इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, जैसे 5/4 माइनस 3/4, देन हम करेंगे 3/4 माइनस 5/4। इसमें हम जब माइनस कर रहे हैं, 3 माइनस 5 माइनस 3 कर रहे हैं, 2/4 आ रहे हैं, और 3/4 को माइनस 5/4 में कर रहे हैं तो ये आंसर 2/4 नहीं आ रहे। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आप देखेंगे इसके आंसर सही आ रहे हैं नहीं आ रहे। 5 3 15 अपॉन 20 दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। देन हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में इस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं हम। वैसे ही डिवीजन में देखेंगे, 3/4 / 4/5 देन 5/4 / 4/5 5/4 / 4/5 / 3/4। अब डिवाइड भी जब करेंगे तो चाहे रेसिप्रोकल भी होगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो इसके आंसर आएंगे इसके आंसर वो सेम नहीं आएंगे। देन हम डिवीजन में इसको नहीं यूज कर सकते हैं। अब समझ पा रहे हो आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसमें मैं क्या कर रही हूं, ओनली ब्रैकेट को ही मूव कर रही हूं, मूव द ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट को मूव करके देखेंगे कि ये सेम आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जैसे 3/4 + 4/5 + 3/4 जैसे पहले ये दोनों को हम प्लस कर लिए, उसके बाद 3/4 + 4/4 + 3/4 तो ये दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं देखेंगे हम। पहले चाहे इसको आप प्लस कर लो, बाद में इसको कर लो, चाहे पहले इन दोनों को करके इसको कर लो, तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे। ये आप सॉल्व करके खुद ही देखना एडिशन में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं तो कर सकते हैं हम। देन अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके आंसर सेम नहीं आएंगे, तो हम सब्ट्रैक्शन में इसको नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम इसको नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में तो जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चाहे पहले दोनों को करो चाहे बाद में करो, मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। देन डिवीजन में हम नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में ये सब आपको सॉल्व करके देखना है। जैसे मैं कोई भी प्रॉपर्टीज में आपको बता रही हूं कि मूव द ब्रैकेट के एक ही आपको एग्जाम्पल बताई, तो आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में दो दो खुद ही एग्जाम्पल्स लेके और सॉल्व करके देखना है कि जो ये आंसर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं या नहीं। ये मैम
इसको क्रॉस क्यों करिए कि ये रॉन्ग आंसर आएंगे इसके, या ये राइट क्यों करिए कि इसमें सही आंसर आएंगे। यस, देन हम कभी भी कोई भी करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज पता पड़ गया आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पता पड़ गया, देन क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया आपके एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस सी, या मान लो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर को चेंज कर रहे हैं, चेंज द ऑपरेटर। ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं मीन्स क्या है, हम ब्रैकेट में अगर कोई भी डिजिट ले रहे हैं उसको प्लस करके, देन हम इसको क्या कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी एक बार कर सकते हैं ब्रैकेट को ओपन करके, देन बी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी करके उसको प्लस कर लेंगे, तब भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, यही देखना है। वैसे प्लस में मैं लूंगी जैसे 3/4 मल्टीप्लाई 4/4 प्लस 3/4 इक्वल टू, हम क्या करेंगे 3/4 मल्टीप्लाई 4/4 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 ऐसे भी करेंगे, तब भी इसके जो आंसर आएंगे इसी के भी वही आंसर आएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में हम कर ही सकते हैं। देन सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी इसमें सेम आ जाएंगे एंड मल्टीप्लीकेशन में भी सेम आएंगे, और डिविजन में ये नहीं हो सकते, इस प्रॉपर्टीज को हम नहीं ले सकते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर्स लाइन लेते हैं, नंबर्स लाइन में आपको पता है नंबर्स लाइन में कैसे हमें दिखाना होता है 3/4 5/4, वैसे ही कभी भी कोई भी नंबर होते हैं 3/5 एंड 5/6 है। अभी इसमें बताया जाएगा कि बिटवीन के आप 5 नंबर बताओ, कोई भी नंबर है ये 3/5 एंड 5/6 के, फाइंड 5 रेशनल नंबर बता रहे हैं, तो 3/5 एंड 5/6 के अंदर हमें 5 रेशनल नंबर बताना है। तो जो इसमें डिनोमिनेटर रहते हैं दोनों के उसको हमें सेम करना होता है, अगर इसको सेम करना है तो हम क्या कर सकते हैं 3/5 मल्टीप्लाई 6/6 देन 5/6 मल्टीप्लाई 5/5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी हमारे पास रेशनल नंबर दोनों के जो डिनोमिनेटर है सेम आएंगे 18/30 देन 15/30। अब इसके बाद हमारे पास 15/30 16/30 17/30 ये दो ही आंसर आए हमारे पास, हमें 5 रेशनल नंबर बताने थे। जैसे ही हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं तो 16/30 मल्टीप्लाई 2 कर लो इसको एंड 17/30 मल्टीप्लाई 2/2 तो हमारे आगे 32/60 एंड 34/60 ये भी नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे इसको डिनोमिनेटर को और भी ज्यादा बड़ा कर लेंगे, जैसे इसमें 10 कर लिए 160/300 170/300 अब हमारे पास आ गए 162/300 163/300 अब हमारे पास 5 क्या 10 आ गए रेशनल नंबर। यस, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या है और इसके बिटवीन के नंबर्स हमें कैसे निकालना होता है, प्रॉपर्टीज क्या है। यस स्टूडेंट, आपको इसको सबको सॉल्व करना है, दोबारा एग्जांपल के साथ ही सॉल्व करना है, और इसके जो असाइनमेंट है मैं आपको दे दूंगी, असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।